डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए उसमें डायपोल हमेशा किस में पड़ा हुआ था, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल किस में पड़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई यानी कि चेंज हो रहा है। तो मान लो ई इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ई राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, ज़्यादा 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 ज़्यादा। तो मान लेते हैं यहाँ पर डायपोल है क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ पर ई ई टू है, यहाँ पर ई ई वन है, ई टू बड़ा होगा, ई वन छोटा होगा, क्योंकि राइट जाने पे ई बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है राइट। तो फोर्स क्या लगेगी, क्यू ई टू। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगती है, तो कितनी लगी, क्यू ई वन राइट। तो कौन सी फोर्स बढ़ी है, राइट की फोर्स बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि राइट का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है। तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स राइट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कैसे रिजल्ट लगाने, समझ में आ रहे ठीक। और अगर यही क्वेश्चन आता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई कॉन्स्टेंट होता, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती, क्यू ई, यहाँ पर वैल्यू क्या होती, क्यू ई, क्यू ई और क्यू ई आपस में क्या हो जाते, कैंसल, तो नेट फोर्स क्या आती, जीरो राइट। तो नेट फोर्स जीरो आती, पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी।